हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है वो कैसे करें, तो उस पर वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद ये है कि आपके केमिस्ट्री में 70 से 75% तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो में आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं बीएससी रसायन विज्ञान फर्स्ट पेपर की, ठीक है। तो उसकी जो बात करें तो बात है कि, तो देखो केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में तैयारी इसकी कैसे की जाती है, तो देखते हैं हम। तो पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री में चैप्टर्स कितने हैं, जो फर्स्ट पेपर है इसका उसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि हमें जब आगे की चैप्टर्स के बारे में पता होगा तभी तो हम जाकर क्या कर पाएंगे, इसकी तैयारी कर पाएंगे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसकी एक एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला चैप्टर्स की बात करें, इसके चैप्टर्स की बात करें तो जो चैप्टर्स में पहला नंबर चैप्टर है उसका नाम है आणविक ध्रुवीयता एवं दुर्बल रासायनिक बल, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इंग्लिश से बात करें तो मोलरिटी पोलरिटी। देखो मोलरिटी मतलब आणविक, पोलरिटी मतलब ध्रुवीयता एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इससे आपका संकरण जो है ये बहुत ज़्यादा, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकरण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अनुनाद हो गया, हाइड्रोजन बंद हो गया, आपका वांडर वाल्स बल, ये जो इसके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोलरिटी पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है संकरण, अनुनाद, हाइड्रोजन बंद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके जो चैप्टर्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बंद दिया गया, हाइड्रोजन बंद क्या होता है, संकरण, अनुनाद, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको सारे तैयार कर लेना है, देख सकते हो कितने बार पूछा गया है। तो इतनी तो मेरी गारंटी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे नंबर आने वाले हो, ठीक है। तो संकरण, अनुनाद, हाइड्रोजन बंद, ये जो आपके वैन डर वाल्स बल है, इन सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, आणविक ध्रुवीयता एवं दुर्बल रासायनिक बल। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो हमारा कौन सा है चैप्टर, वो है अणु के सरल आबंधन सिद्धांत, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है, अणु के सरल आबंधन सिद्धांत, जिसमें आपका जैसे आप बाउ का नियम है, सिग्मा बंध है, पाई बंध है, बेंड का नियम, ये जो बेंड का नियम है बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। बेंड का नियम आपका, तो बेंड का नियम जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप बाउ का नियम हो गया आपका, सिग्मा बंध पाई बंध होता है, सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसके जो है अणु के सरल आबंधन सिद्धांत के, इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो है आपका जो पेपर आएगा वो पेपर ज़्यादा आप ये ना सोचो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। तो पेपर बहुत आसान आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। आप एक दिन में बढ़िया से तैयारी कर सकते हो एक चैप्टर की, ठीक है। तो जैसे आप बाउ का नियम हो गया, सिग्मा बंध पाई बंध, सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर हो गया, बेंड का नियम, तो सिग्मा बंध पाई बंध के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप बाउ का नियम का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु, आप चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो परमाणु का आवर्ती गुण, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इससे कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे परमाणु त्रिज्या क्या है ये बताना होता है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, मंत्र, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये क्वेश्चन जो होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा था, परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में अंतर बताइए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। तो ये बात थी चैप्टर नंबर थ्री की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, तो इसी वाले चैप्टर को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखो जैसे चैप्टर नंबर फोर है मूलभूत कार्बनिक रसायन का संक्षिप्त परिचय, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आपका फोर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जैसे मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव है, इस ये क्या होता है, ठीक है। इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहे हैं, और आप चैप्टर में भी देख लीजिएगा और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, इसे भी देख लीजिएगा आप। बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे इसी प्रकार तो आपके नंबर कोई काट नहीं सकता, 70 से 75% आपके आराम से बन जाएंगे। पांचों चैप्टर है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो आपको इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप रिएक्शन जाके देख सकते हो, रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे भी रिएक्शन पूछी जाती है। आप चैप्टर नंबर सिक्स की बात करें त्रिविम रसायन की, स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करें, इस कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, तो इसमें एक टॉपिक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अपकर्मक, नाभिक किसने अपकर्मक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिविम रसायन हो गया आपका, त्रिविम रसायन में आपकी जो समावयता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय समावयता इसमें हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जितनी समावयता, आप ये वाला
भी देख लेना, ठीक है। समवयता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समवयता है इसमें त्रिविम रसायन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर प्रणाली की, तो इसमें तो आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, आपको कंप्यूटर के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें आपको केवल कंप्यूटर के बारे में मिलेगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा था संख्या प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। संख्या प्रणाली क्या है, तो आप इस चैप्टर को भी देख लीजिएगा, संख्या प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करें, रासायनिक विज्ञान के लिए गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अवकलन मिलेगा जो कि मैथ में भी है, ठीक है। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, अवकलन समाकलन हो गया। आपको इसमें होता है लॉग वाले, ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन की बात करें, लॉग वाले क्वेश्चन जैसे इस प्रकार क्वेश्चन, लॉग 10, लॉग बेस में 10 64, लॉग बेस में 10 4, इसका मान बताइए, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, लॉग क्वेश्चन आता है, जैसे लघुगणक और इनके नियम बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, लघुगणक और इनके नियम बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देख लीजिएगा आप। तो ये था बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर की बात, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। 70 से 75% आपके आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपके जरूर नंबर आएंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उस टॉपिक की मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे एकदम अच्छे से, क्लियर से, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।